गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स शेयर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, असाइनमेंट करेंगे और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में जो है वो सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि फ़र्स्ट सेमेस्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये सही वक्त है कि हम समझ लें कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो ये जो आपके सामने है ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 2 जनवरी 2018 का पेपर। जैसा कि इसमें देख सकते हैं आपकी, इसमें ये लिख रखा है, यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि ये पार्ट बी जो है इसमें लिख रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो थ्योरी का पेपर है उसमें एनसीवीटी का जो एग्ज़ाम सेक्शन है तो उसमें थ्योरी के पेपर में पार्ट बी के साथ में जो है वो एक इम्पोर्टेंट ये खंड है, वो पार्ट ए तो आपका थ्योरी का होगा और पार्ट बी जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होगा। तो ये कुल टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा। तो इसको आपको जो है वो पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों को आपको साथ ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी कड़ी में आज अपन क्या करते हैं, जनवरी 2018 के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं सेमेस्टर फर्स्ट के, बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो उनको अपन देख लेते हैं। और इसमें स्कोरिंग जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बहुत ही इजी है, तो एक एक करके हम इसको वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या इजी है। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट वन में इंग्लिश कम्युनिकेशन और आपका कंप्यूटर स्किल्स और कम्युनिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट तीन यूनिट्स हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं तीन यूनिट्स के रेंज में आपके पास में क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो इसके लिए अपन देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबल क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज़ यूज इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस ऐसा है जो कि कंप्यूटर गेम्स खेलने में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी है लाइट पैन, ऑप्शन सी है जॉयस्टिक और ऑप्शन डी है डिजिटल कैमरा। तो इसमें कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए जैसे कि अपन जानते हैं कि जॉयस्टिक जो है वो एक बहुत ही यूज़फुल इक्विपमेंट है। तो इसके लिए हम जो है वो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी जॉयस्टिक। तो इसके लिए मैं जो है मार्कर ले लेता हूँ, तो उससे अपन निशान इस पे राइट का टिक मार्क लगा देते हैं सी पे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कैप्चर एंड स्टोर सीनरी व्हेन यू गो टू विजिट अ हिल स्टेशन। जब आप किसी भी हिल स्टेशन विजिट करते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि किसी भी सीनरी को कैप्चर करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है फोटो स्कैनर, ऑप्शन सी है हैंड हेल्ड स्कैनर, ऑप्शन डी है डिजिटल कैमरा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऑप्शन डी जो है डिजिटल कैमरा हमारा सही आंसर है। तो इस पर हम डिजिटल कैमरे को टिक करेंगे, डिजिटल कैमरा हमारा इसमें सही आंसर है। तो इसके लिए हम मार्कर ले लेते हैं वापस से और डिजिटल कैमरा को टिक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए फिल इन द ब्लैंक्स है, ए ब्लैंक स्पेस इज़ यूज्ड फॉर सी ए डी एंड सी ए एम एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इनमें से जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो कैड और कैम एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो कैड क्या चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। देखिए दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग से संबंधित हैं, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बोलते हैं इसके, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को जैसे अपन किसी भी मकान का या भवन का नक्शा बनाते हैं तो उसके लिए हमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ हम करते हैं वो कैड सॉफ्टवेयर होता है। तो इसके लिए हमें बड़े लेवल पे जो है बड़ा प्रिंटर जो है आवश्यकता होती है। तो अपन जानते हैं
कि छोटा सामान्य प्रिंटर जो है वो A4 साइज़ में प्रिंट करता है, लेकिन जो अगर हमें बड़े लेवल पे प्रिंटर चाहिए तो उसके लिए हमें जो है वो प्लॉटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन ए प्रिंटर नहीं होगा, ऑप्शन बी स्कैनर भी नहीं होगा, ऑप्शन सी बारकोड रीडर भी नहीं होगा, बल्कि इसमें ऑप्शन डी होगा, प्लॉटर। तो प्लॉटर हमारा यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टू पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेज आर। पॉइंटिंग डिवाइसेज का मतलब क्या होता है? जैसे जो स्क्रीन पे अपने को दिखते हैं, जिनसे मतलब मूवमेंट शो होती है या अपनी पोजीशन का पता चलता है, या जो पॉइंटिंग एक जो डिवाइसेज होते हैं उनको अपन जो है वो पॉइंटर डिवाइसेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है MICR और OCR, ऑप्शन बी है लाइट पेन एंड जॉयस्टिक, ऑप्शन सी है माउस और जॉयस्टिक, ऑप्शन डी है माउस और डिजिटल कैमरा। तो यहाँ कौन सा आंसर सही होना चाहिए? अपन जानते हैं कि मोस्ट पॉपुलर दो इनमें से अपने को मोस्ट पॉपुलर चाटने हैं, तो अपन जानते हैं कि MICR और OCR पॉइंटिंग डिवाइसेस नहीं हैं। ठीक है, डिजिटल कैमरा जो ऑप्शन डी अपना है वो भी डिजिटल कैमरा पॉइंटिंग डिवाइसेस नहीं है। अब अपने जो है ऑप्शन बी और सी में अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है और जॉयस्टिक भी क्या है, स्क्रीन मूवमेंट से रिलेटेड है। और तो इसमें से मोस्ट पॉपुलर जो है वो अपना होगा ऑप्शन सी, माउस और जॉयस्टिक, क्योंकि अपन जानते हैं कि माउस का कॉमन यूज़ है, माउस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, माउस और जॉयस्टिक। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, 8 बेट्स ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू बाइट्स। तो अपन जानते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बिट। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया भी था कि 8 बिट जो होता है, ठीक है ना, वो लगभग होता है 1 बाइट के बराबर। तो यहाँ पे 1 बाइट सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एक्सटर्नल मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ परमानेंट स्टोरेज। एक्सटर्नल मेमोरी या क्या चीज़ ऐसी है जो कि परमानेंट स्टोरेज का पार्ट है? ठीक है, तो एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो क्या है एग्जैक्टली? प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है या इंटरनल मेमोरी है या रैंडम एक्सेस मेमोरी है? तो एक्सटर्नल मेमोरी को हम जो है कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि इसको जो है वो अपन अटैच कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या है, सेकेंडरी मेमोरी मानते हैं। प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और रोम। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, GUI स्टैंड्स फॉर। ये मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन बताया है एग्ज़ाम क्लासेस के दौरान भी, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो GUI का मतलब क्या है? देखिए, जो अपने जितने भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो CUI होते हैं या GUI होते हैं। CUI का मतलब है करेक्टर यूज़र इंटरफेस, और GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इनमें क्या अंतर है? इनमें ये अंतर है, जहाँ पे कमांड दे के हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स को, जिन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स को हम कमांड दे के यूज़ करते हैं या कंट्रोल करते हैं, वो कहलाते हैं CUI यानी करेक्टर यूज़र इंटरफेस। लेकिन जिनमें ग्राफिक्स, आइकन्स, चित्र की मदद से हम क्लिक करते हैं और उनका यूज़ करते हैं, वो कहलाते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे कि अपने विंडोज़ है, तो विंडोज़ में अपन क्या है, मीनू बार पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें माउस का जिनमें यूज़ होता है, तो वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स की खासियत है ये। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? टू मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर वी यूज़ ऑप्शन। ठीक है, तो हमें जब किसी भी फाइल या फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कराना होता है, तो हम इनमें से क्या यूज़ करते हैं? तो ये बहुत ही इजी है, मूव करवाना है। देखो, ठीक है ना, हमें क्या है, मूव करवाना है। तो मूव करवाने के लिए सही जो कमांड हम देते हैं या जो अपन यूज़ करते हैं वो होता है कट और
पेस्ट, तो कट और पेस्ट जो है वो इसमें सही ऑप्शन होगा। कॉपी और पेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉपी में मूव नहीं होता, कॉपी में एग्जैक्टली उस फाइल या उस फोल्डर की जो है वो कॉपी चली जाती है, वो फोल्डर मूव नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें सही जो कमांड होगी वो होगी बी, कट एंड पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ब्लैंक स्पेस क्या है, इज़ अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड्स, ठीक है। तो अवेलेबल कमांड्स की लिस्ट हमें ढूंढनी है ऑप्शंस में, तो इसमें देखते हैं अपन। ऑप्शन ए जो है वो है विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी है डेस्कटॉप, ऑप्शन सी है मेनू, ऑप्शन डी है आइकन्स। तो कमांड्स अपन कहाँ से दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि अपन वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें जो भी फाइल, एडिट, ठीक है, टेबल आदि जो भी अपने को ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं, वो सभी क्या होते हैं, मेनूज़ होते हैं। तो इन मेनूज़ एग्जैक्टली क्या होते हैं, ये कमांड्स का एक ग्रुप होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा कमांड्स, ठीक है। कौन सी कमांड्स है, मेनूज में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कमांड्स होता है, इसमें एक लिस्ट खुलती है। जैसे कि अगर अपन फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं तो उसमें आता है ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, तो ये सभी क्या है कि एक अवेलेबल कमांड्स का एक ग्रुप है, एक लिस्ट है। तो इसमें 9 में जो सही आंसर होगा वो होगा मेनू का। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेंटेशंस आर, ठीक है। तो इंडेंटेशंस क्या होते हैं एग्जैक्टली, मार्जिन्स होते हैं, ठीक है। तो मार्जिन्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ पे शो होते हैं, तो इसमें जो है वो अपने को गौर करना होगा। जैसे अपन वर्ड खोलते हैं तो वर्ड में अपन जो है वो क्या है, टैब से और पैराग्राफ के बीच में जो मार्जिन सेट करते हैं, तो उसके बारे में ये बता रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो डिफरेंट इंडेंटेशन होते हैं लेफ्ट के, फर्स्ट लाइन के और राइट के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में सही आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। तो डी जो है वो इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, बिफोर फाइनल आउटपुट इज टेकन यू कैन सी ब्लैंक स्पेस ऑफ द वर्कशीट टू सी हाउ इट वुड अपीयर इन प्रिंट आउट, ठीक है। तो फाइनल प्रिंट आउट लेने से पहले अपन क्या करते हैं कि किसी भी वर्कशीट में या किसी भी डॉक्यूमेंट का जो है वो व्यू कैसा आएगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि प्रिंट सैंपल ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है पेज सेटअप, सी ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इनमें से अपने को बहुत ईजी है, इसमें अपन जानते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू कमांड होती है, उसकी मदद से अपन क्या है कोई भी जो डॉक्यूमेंट अपन टाइप करते हैं या अगर एक्सेल में है तो वर्कशीट में अपन जो भी टाइप करेंगे उसका अपन प्रीव्यू देख सकते हैं कि वो प्रिंट होने के बाद में कैसा दिखेगा पेपर पे, लेफ्ट राइट साइड में कितना मार्जिन होगा, टॉप और बॉटम में कितना मार्जिन होगा, तो वो सब जो है वो अपन प्रिंट प्रीव्यू से अपन देख सकते हैं। अगर कहीं मार्जिन सेट करना हो तो अपन मार्जिन भी उसका सेट कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है ब्रॉडबैंड से संबंधित, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, ब्रॉडबैंड रिफर्स टू, ब्रॉडबैंड का संबंध किससे है, ए स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, बी अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो अपन ब्रॉडबैंड से क्या समझते हैं, ब्रॉडबैंड का मतलब होता है वो बैंडविड्थ जिस पे क्या है टेलीकास्ट होता है, डाटा का ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो ब्रॉडबैंड कहलाती है, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड का मतलब जो होता है डेटा का ट्रांसमिशन और डाटा ट्रांसफ़र का जो अमाउंट है, यानी कि कितने MB में या कितने GB में ट्रांसफ़र हुआ है, तो इन दोनों से अपन ले सकते हैं। तो यहाँ सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी दोनों होंगे, ठीक है, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड और डाटा ट्रांसफ़र का अमाउंट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, BCC ऑप्शन इज़ यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल टू, ठीक है। तो BCC ऑप्शन जो है वो यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, ईमेल की कॉपी को सेंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन किसे सेंड करने के लिए, सबसे पहले तो अपने को ये जानना पड़ेगा कि BCC होता क्या है। देखो, BCC ईमेल का एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम
किसी भी व्यक्ति को ब्लैंक कार्बन कॉपी सेंड कर सकते हैं। तो BCC का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ब्लैंक कार्बन कॉपी जो है वो सेंड कर सकते हैं किसको, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ब्लाइंड पर्सन को, ऑप्शन बी है सेवरल पीपल विदाउट लेटिंग देम नो सेंडर्स एड्रेस, सी है सेवरल पीपल विदाउट लेटिंग द अदर्स रिसिप्टेंट नो, और डी है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ब्लाइंड पर्सन से तो कोई मतलब ही नहीं है, ऑप्शन बी है सेवरल पीपल विदाउट लेटिंग देम नो, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर कोई भी ईमेल आता है तो हमें उसका ईमेल एड्रेस तो पता चलता ही है, ठीक है। अब ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सेवरल पीपल विदाउट लेटिंग द अदर रिसिप्टेंट नो, ठीक है। दूसरे जो है उनको पता नहीं चलता है कि ये ईमेल कहाँ कहाँ गया है, मल्टीपल लोगों को आप भेज सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसमें अपन कई लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन जिन जिन को ईमेल जाएगा वो सभी जो है वो ये देख नहीं पाएंगे कि ये ईमेल और किन किन लोगों को गया है, ठीक है। तो ये BCC का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। चलिए जी, ईमेल के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन इंग्लिश कम्युनिकेशन से करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चंस आगे आएंगे वो इंग्लिश से संबंधित होंगे, तो ग्रामर पार्ट हो सकता है इसमें। तो अपन क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, आर्टिकल भरने ए एन और दी क्या। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको आर्टिकल लिखना है एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, ठीक है। तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है पहली बात तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ सकती हैं, देखो एन और दी, ठीक है ना। तो एन अगर करेंगे तो एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, ठीक है। लेकिन अगर अपन इसमें से चुनते हैं द, तो द एरोप्लेन जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन होगा इसमें द। अब आप कहेंगे कि दिस भी तो हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ की जब अपन बात करते हैं तो वहाँ पे अगर किसी भी लाइन को अपन लाइन शुरू होती है तो उसका जो होगा आर्टिकल वो द से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा द। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होती है जिनका कोई अर्थ निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरा अर्थ नहीं निकलता। तो इसके लिए क्या हो सकता है, देखिए फ्रेजेज हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या वर्ब हो सकता है, ठीक है। तो वर्ब से किसी भी एक्शन का देखो पता लग सकता है, ठीक है, लेकिन वो कब होता है, जब वो सेंटेंस के साथ में जुड़ता है तो हमें पता चलता है कि कौन सी क्रिया या कौन सा एक्शन जो है वो किसने किया। जैसे मैं कहता हूँ कि आई हैव टेकन अ फूड, मैंने खाना खाया है, ठीक है। तो ये जो है ये इसमें पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो वर्ब जो है वो इसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या बात कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वर्ड्स का ग्रुप होना ज़रूरी है। तो वर्ड्स का ग्रुप जो है वो हमें मिलता है फ्रेज़ में। फ्रेज़ क्या होते हैं, फ्रेज़ को आप समझ सकते हैं सिंपल मुहावरे जो किसी भी सेंटेंस के साथ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, साथ में यूज़ किए जा सकते हैं। उनका अपने आप में एक सेंस होता है, लेकिन जब तक वो सेंटेंस के साथ नहीं जोड़े जाते उनसे कोई अर्थ लगाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर टू रिस्पॉन्ड टू द मेंशंस क्वेश्चन, व्हेन विल यू सी द मूवी, ठीक है। तो इसका अपने को सही आंसर देना है, ये हमसे पूछ क्या रहा है, व्हेन विल यू सी द मूवी। व्हेन व्हेन का मतलब है अपने को पूछ रहा है कि कब आप मूवी देखोगे, ठीक है। इट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर नॉट द प्रेजेंट, ठीक है। जैसा कि अपने को इसका टेंस से पता चल रहा है, तो व्हेन का मतलब क्या है कि ये अपने को टाइम या वक्त पूछ रहा है कब, ठीक है ना। तो इसमें अपने को लोकेशन नहीं बतानी है, जैसा कि इसमें डी ऑप्शन में दे रखा है एट होम, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन है इन PVR सिनेमा, तो ये भी क्या है, लोकेशन है, तो ये दोनों ही नहीं होंगी। अब टाइम से जुड़ी हुई बात आ जाती है,
तो टाइम से जुड़ी हुई बात होती है, जैसे कि ऑप्शन सी में देखते हैं एट 2:45 PM, तो 2:45 PM कब? आज की 2:45 PM या कल की 2:45 PM या परसों की 2:45 PM? तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एट 3:15 PM टुमारो। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, वी शुड ब्लैंक स्पेस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। फर्स्ट है नॉट लिसन द स्पीकर केयरफुली, लिसन द स्पीकर केयरफुली ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है इंटरफेस टू द स्पीकर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें कम्युनिकेशन के दौरान क्या चीज़ करनी चाहिए? सबसे पहला है ऑप्शन ए नॉट लिसन द स्पीकर, स्पीकर को सुनना नहीं चाहिए केयरफुली, ठीक है। ऑप्शन बी है इंटरफेस ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का इंटरफेस या उसका वातावरण क्या है। ऑप्शन डी है लिसन टू स्पीकर केयरफुली, और डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी लिसन टू द स्पीकर केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन चुननी होगी। अपन जानते हैं कि कोई भी लोकेशन किसी भी जगह या वस्तु या स्थिति को बताने के लिए हम जो है वो प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं, जैसे कि एट है, ऑन है, अबोव है, अबाउट है, तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस है। तो इनमें से अपने को सही प्रीपोजिशन छांटनी है। हमारा जो सेंटेंस है वो है द यंग जेंटलमैन इज एंगेज्ड ब्लैंक स्पेस मिस ब्राउन, ठीक है ना। तो यहाँ पे यंग जेंटलमैन जो है वो किसके साथ में एंगेज्ड है, मिस ब्राउन के साथ में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एंगेज्ड विथ मिस ब्राउन, ठीक है। द यंग जेंटलमैन इज एंगेज्ड विथ मिस ब्राउन, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर क्या होते हैं और ऑर्डिनल, देखिए नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्डिनल नंबर और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर, ठीक है जी। कार्डिनल नंबर होते हैं जनरल नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, 18th, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो यहाँ क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है कार्डिनल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है 18th, क्योंकि आप देख सकते हैं 20 एक नंबर है, 56 भी एक नंबर है, 9 भी एक नंबर है, लेकिन 18th जो है वो एक ऑर्डिनल नंबर है, बाकी सभी कार्डिनल नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड PSYCHOLOGY। ये एक वर्ड है, इसका मतलब है साइकोलॉजी। तो जैसे कि मैंने बोला, आपको समझ में भी आ गया होगा कि साइकोलॉजी में जो वर्ड साइलेंट रहता है वो है P, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा P, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। अब देखो अपने को फ्यूचर टेंस यूज़ करना है, ठीक है, और फ्यूचर टेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल, वुड, ठीक है। तो ये जो है विल बी, वुड बी, ये क्या होते हैं, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो अपन जो है इसमें देख लेते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है, ही ब्लैंक स्पेस फॉर यू एट द स्टेशन, ठीक है, तो वो हमारा स्टेशन पे वेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हैज़ वेट, हैज़ हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के साथ में लगता है, आर वेटिंग ये भी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट टेंस है, हैड जो है वो पास्ट टेंस है, और विल जो है वो फ्यूचर टेंस की वर्ब है। तो विल वेट यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, द की ऑफ सक्सेस इज, की ऑफ सक्सेस इज, ठीक है, सक्सेस की क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं,
सक्सेस की क्या है? ए कमिटमेंट, बी डिसिप्लिन, सी हार्डवर्क, डी ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा होगा? इसमें से अपन ये सभी जो हैं वो क्या है, सक्सेस के कीज़ हैं। क्योंकि कमिटमेंट जब तक नहीं होता है, जब तक इंसान किसी काम के लिए प्रेरित नहीं होता है, उसके लिए डिसिप्लिन और हार्डवर्क का भी होना ज़रूरी है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है जी, अब ये जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। अ नॉर्मल पर्सन कैन स्पीक वर्ड्स पर मिनट। एक नॉर्मल पर्सन को कितने वर्ड्स जो हैं वो एक बार में वो बोल सकता है? तो इसमें देखो, साइंटिस्ट ने ये लगभग एक जनरल प्रिडिक्शन है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये जनरल प्रिडिक्शन है कि 125 से लेकर के 150 तक एक नॉर्मल पर्सन जो है वो 1 मिनट में शब्दों का उच्चारण करता है या बोलता है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के कम्युनिकेशन के लिए कम से कम भी 5,000 शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सिनोनाइम्स की। सिनोनाइम्स क्या है? सिनोनाइम्स पूछा है अपने को, सिनोनाइम्स ऑफ द वर्ड ब्लेंड इज। तो समानार्थी शब्द अपने को, समानार्थी जिसका हो तो वो सिनोनाइम्स वर्ड्स होते हैं। तो ब्लेंड का मतलब क्या होता है? ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स जो है वो सही आंसर है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, आइडियोम्स प्रोवाइड इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आइडियोम्स जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए, किसी भी कम्युनिकेशन की जो खूबसूरती होती है, जो उसकी सिंप्लिसिटी होती है, जो उसकी क्लैरिटी होती है, वो आइडियोम से ही होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं कहेंगे, स्पीड, स्पीड से मतलब नहीं है। स्पीड का जो रिलेवेंस है वो है फ्लुएंसी से, कि कितना फ्लुएंट हो आप, उससे डिपेंड करती है। ठीक है, कम्युनिकेशन में बैरियर तो होगा ही नहीं, डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो बचा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी क्लैरिटी। तो क्लैरिटी यहाँ पे सही आंसर है। तो इस प्रकार हमने जो है ये सारे जो 25 क्वेश्चन हैं वो देख लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर है, जनवरी 2018 में इसको ये आया था एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इजी जो है वो सब्जेक्ट है हमारा। आपको इसको बस रोज़ाना जो है थोड़ा पढ़ना है, रोज़ाना नोट्स बनाते रहिए। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन जो है चल रहा है तो इसका मतलब है कि आप स्टडी नहीं करेंगे। आप नियमित रूप से स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। मेरे जो चैनल को आप रोज़ाना जो है वो देखते रहिए, कुछ ना कुछ वहाँ इंटरेस्टिंग और स्टडी करने के लायक जो है वो आपको मिलता रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। खुश रहिए और पढ़ाई कीजिए, प्रोग्रेस कीजिए जीवन में। थैंक यू सो मच, सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।